नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता माणक अग्रवाल इस समय हमारे साथ में। माणक भाई, इस उपचुनाव के बाद जो स्थितियां बनी है कांग्रेस की, उससे आप बहुत खुश तो नहीं है? नहीं, खुश और ना खुश का सवाल नहीं उठता। स्थितियां कई बार ऐसी बनी, मैं समझता हूँ कि यदि ठीक ढंग से राहुल जी को जनवरी में, जैसा कि चल रहा है, देश की कमान सौंप दी गई कांग्रेस पार्टी ने, को अध्यक्ष बना दिया, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार से और शिवराज जी से लोग नाराज़ तो हैं, लेकिन यदि सही नेतृत्व तो मध्य प्रदेश के अंदर मिल गया तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर भी सर्वाइव कर जाएंगे। माणक भाई, अभी जो नेतृत्व है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या उनसे मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें? देखिए, कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और सारे लोग उनको अपना नेता मानते थे। अध्यक्ष बनने के पहले सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया था और मैं समझता हूँ कि यदि वो सबको साथ लेकर चलते तो मध्य प्रदेश की तस्वीर अलग होती। कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई और मुझे लगता है कि इसका पछतावा उनको खुद को भी होगा और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी वो 1.25 साल में चली गई। तो कहीं चूक हो गई या वो गलतफहमी का शिकार थे? अब इसको अपन चूक ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है जिसकी वजह से हमारी सरकार चली गई। और यदि इसको हाईकमान ने सही दृष्टिकोण से देखा और पूरी सब चीज़ों का फिर से सब पर चर्चा करके और कोई नई स्थितियां पैदा की मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। अच्छा, कहीं ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की बजाय कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो शायद जो दुश्वारियाँ कांग्रेस के सामने आई वो नहीं आती? देखिए, उस समय सबके सामने एक ही चीज़ दिख रही थी कि कमलनाथ जी सबसे सीनियर नेता है मध्य प्रदेश के, तो सारे मध्य प्रदेश के नेता उनके नेतृत्व में काम कर लेंगे और सबको वो साथ लेकर चल देंगे, इसलिए उनको नेतृत्व दिया गया। लेकिन यदि वो ठीक से लोगों से मिलते रहते, दूरियां बनाकर नहीं रखते, कम्युनिकेशन बनाकर रखते सबसे, तो ये स्थितियाँ पैदा नहीं होती। एक बड़ी शिकायत थी जो मंत्री थे उनकी भी उस समय के, और जो विधायक थे उनकी भी, आज भी है, कि उनका बिहेव ठीक नहीं है। वो किसी भी आदमी से बोलने लगते हैं, चलो चलो और रवानगी डाल दो यहाँ से। उनके जो सहयोगी थे उनका बिहेव भी कुछ ऐसा था कि किसी पॉलिटिशियन का नहीं होता वैसा। देखिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वही नींव है। यदि वो हिल जाती है तो पूरी पार्टी धाराशाही हो जाती है। कार्यकर्ताओं से यदि वो मिलते रहते तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उसके बाद भी यदि वो मिलते रहते तो भी मध्य प्रदेश के अंदर, ये मैं समझता हूँ, 28 में से 24-25 सीटें हम लोग जीत सकते थे। वातावरण बहुत अच्छा था और हर जगह मैसेज ये था कि इन लोगों ने पैसा लिया है, लेकिन उसको हम भुला नहीं पाए क्योंकि कार्यकर्ता को हमने इतनी तवज्जो दी नहीं। 15 साल तक उसने संघर्ष किया, उसके बाद उसको पूछा नहीं गया, इसलिए ये स्थितियाँ पैदा हुई। अरे, एक चीज़ और थी माणक भाई, इस इलेक्शन के पहले जब सरकार गई कांग्रेस की, तो ये कहा गया कि 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी, फिर कहा गया कि दिवाली मनाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी, तो कहीं मुगालते में रही क्या कांग्रेस? देखिए, ये उत्साही लाल कुछ होते हैं पार्टी के अंदर, उन लोगों की तरफ से ये किया गया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। यदि जमीन पर, धरातल पर हम देखते और काम करते तो निश्चित रूप से फिर से सत्ता में आ सकते थे। अच्छा, कहीं ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी सीनियर थे इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, कहीं दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया होता तो क्या स्थितियां आज कुछ और होती? देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद भी चाहते थे कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो ये चाहते थे कि एक बार गैप होना चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छा शासन 10 साल तक चलाया और सर्वमान्य नेता हो गए थे, कार्यकर्ताओं की पूछ परख वो करते थे। तो यदि दिग्विजय सिंह जी के मन में भी यही था कि बीजेपी के बाद में सरकार बने तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो, और उनको सबसे ज़्यादा सूट करते थे कमलनाथ जी, तो वो खुद चाहते थे कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। मैं ये जानना चाहता था, आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो क्या कहता कि अगर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते तो कमलनाथ जी से बेहतर होते, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं से बड़ा सीधा जुड़ाव है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार भी बनी 2018 में, वो कोई कहे कि फलाने आदमी के कारण बनी या उसके कारण बनी, सरकार बनी दिग्विजय सिंह जी के कारण। उन्होंने हर जिले में जाकर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जो समन्वय का काम किया, सारे लोगों को जोड़ा, उसकी वजह से ही सरकार बनी थी। इस बीच में एक वीडियो भी आया था दिग्विजय सिंह जी का, जिसमें दिग्विजय सिंह साहब ये कह रहे थे कि मैं अगर सामने आता हूँ तो वोट कट जाते हैं।
ये उनके जो विरोधी लोग हैं उन लोगों ने ये बात चलाई थी और इसी को इन्होंने ट्वीट के जरिए सबके सामने रखा था। मणिक भाई, आपने बहुत विषम परिस्थितियों में जब बीजेपी की यहाँ प्रचंड बहुमत आया 2003 के चुनाव में, उसके बाद बड़ी विषम परिस्थितियों में आपने कांग्रेस चलाई, और अभी पिछले कुछ समय से ये हुआ कि पार्टी के नाम पे एक कॉरपोरेट कल्चर जैसी कांग्रेस कार्यालय चलने लगा, लोगों का बहुत उठना बैठना वहाँ नहीं रहा, विशेष किस्म के लोग ही वहाँ नज़र आते थे। देखिए, ये आम शिकायत पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में रही कि कांग्रेस के अंदर संगठन नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, और वो ख़त्म होने से काफ़ी कार्यकर्ता नर्वस हो गया। नर्वस जब कार्यकर्ता हो जाता है तो काम नहीं करता है, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता, वही इस समय हुआ। तो कैसे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत आसान काम है, कार्यकर्ताओं से आप मिलते रहो, उनकी सारी जितनी भी परेशानियाँ उसको दूर करते रहो, और बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं। उनसे चर्चा करो आप, चर्चा का हल, उसी चर्चा में हल भी निकल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सारी परेशानियाँ दूर हो जाती और कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आ जाती है, और अब आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में खड़ी होगी और सत्ता में आएगी। कमलनाथ जी के रहते संभव हो पाएगा, क्योंकि वो जिस आयु के व्यक्ति हैं वो तो अपने आप को बदलने से रहे। अब देखिए, दिसंबर में या जनवरी में राहुल जी देश में कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लेंगे, वो पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। ये ऐसी कांग्रेस जनों की आम राय है पूरे देश के अंदर कि उनको अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए। उसके बाद सब स्टेटों के अंदर वो अपने हिसाब से टीम खड़ी करेंगे और उसमें अच्छे लोगों को नेतृत्व देंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाएगी। मैंने कोई एक मसला और कमलनाथ जी को लेके आया है, सिख दंगों को लेके जिस तरह से चर्चा चल रही है, उसके बाद अगस्ता वेटलैंड घोटाले में जिस तरह उनके बेटे का नाम आ रहा है, तो लगता नहीं इससे कहीं कांग्रेस की छवि है वो डैमेज हो रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बदले की भावना से वो काम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नुकसान भी नहीं होता। यदि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इनको उससे ज़्यादा लाभ होगा और पार्टी को भी लाभ होगा। पार्टी को इंटरनल जांच नहीं कराना चाहिए, कहीं ये सच तो नहीं है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बदले की भावना से काम कर रही है। एक इस चुनाव में बड़ा मुद्दा उभारा गया था, गद्दार या वफादार, टिकाऊ या बिकाऊ, ये कैच क्यों नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाया? देखिए, पहुंचा था लोगों तक, ये कैच हम नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारी जो कार्यकर्ताओं की फौज थी वो खुद ही नाराज थी। यदि कार्यकर्ताओं की फौज तैयार रहती तो ये सब कैच हो जाता। लोगों तक ये बात पहुँच गई थी कि ये बिकाऊ लोग हैं, इनको वोट नहीं देना है। एक गांव का किस्सा पता लगा था कि एक बच्चा अपने बाल को कलर करवा रहा था, उससे एक टीवी वाले ने पूछा, न्यूज 18 पे चल रहा था वो, कि भाई तुम कलर करवा रहे हो, इसमें पैसे खर्च नहीं होते क्या, गांव में अपने बाल कलर करवाने से क्या होता है? तो कहने साहब, हमारा MLA 35 करोड़ रुपये ले सकता है, हम 35 रुपये के बाल कलर नहीं करवा सकते। तो ये बात नीचे तक पहुँच गई थी, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी कैश नहीं करवा पाई। तो कहाँ सबसे मोटी मोटी गलती कहाँ नजर आई? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए झटका है, सदमा है? देखिए, वो चीज़ें सब अपनी जगह हैं, वो तो जो हो गया हो गया, लेकिन कार्यकर्ता को यदि जमीन पे आपने मजबूत कर दिया, जिसकी की पूछ परख नहीं हुई इन 15 महीनों के अंदर, तो यदि पूछ परख रहती है और उनको मजबूत कर दिया जाता तो दुनिया की कोई ताकत सरकार को भी नहीं हिला पाती, और हिल भी जाती तो पुनः जीत के हम आते और फिर से सरकार बन जाती। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता हैं, आपकी उनके पिता से भी बड़ी अंतरंगता रही, सिंधिया परिवार से भी, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ मनमुटाव ऐसे थे जिनको रोका जा सकता था, खत्म किया जा सकता था वक्त रहते अगर सचेत हो जाते सब? देखिए, कम्युनिकेशन से सब चीज़ें हल हो जाती हैं, और कम्युनिकेशन सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में लगभग ख़त्म हो गया था। यदि कम्युनिकेशन बना रहता तो ये सारी चीज़ें नहीं बिगड़ती। अब एक सवाल और था, क्या आप वापस कहीं किसी भूमिका में नजर आएंगे कि जैसे पहले कांग्रेस दफ्तर चला करता था, लोग आते थे जाते थे, कार्यकर्ताओं की भीड़ हुआ करती थी, वैसे दिन दोबारा देखने को मिलेंगे? देखिए, पार्टी जो भी काम मुझे सौंपेगी मैं ईमानदारी से करूँगा, और जब जब जो जो काम पार्टी ने सौंपा मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से उस काम को अंजाम दिया। ये थे मानक अग्रवाल साहब, जो कह रहे थे कि जब जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, जिस तरह की दिक्कतों का सामना फिलहाल कांग्रेस को करना पड़ रहा है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।